एक्चुअली सोहम जब भी पैदा हुआ था तो हमें छः महीने में पता चला कि डाउन सिंड्रोम है। तो वो टाइम पे थोड़ा सा नर्वस थे कि आगे जाके खुद का कुछ कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। एक डॉक्टर के पास गया थे हम लोग जानने के लिए कि आगे कैसे चले, तो उन्होंने तो हमको बिल्कुल नाव में निराश कर दिया। इसने पूछा कि हाँ वो तो ठीक है मगर समझे हम कुछ मेहनत करें, हम कुछ ऐसा करें। मैं बोला कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, देर इज नथिंग विच विल हैपन, आज कुछ भी कर लो वो ऐसा ही होगा। भगवान की दया से हमने उसको सुना नहीं और बहुत सी चीज़ें ऐसी की कि शायद उसके बदौलत नंदिनी आज है जो है। यस, थोड़ा टाइम ऑलवेज लगता है एक्सेप्ट करने में, बिकॉज जब पता चला तभी बहुत हम लोग खुद भी यंग थे। आज अगर वो 16 साल का हो गया तो आई वाज जस्ट 25 दैट टाइम। इतने सारे उतार चढ़ाव के बावजूद आन्या एक फाइटर की तरह डटी रही है, तो आई थिंक वो सब फाइट करके आज वो जिस हिसाब से एक बहुत कॉन्फिडेंट और ब्यूटिफुली जो ग्रो हुई है वो मुझे बहुत प्राउड फील करवाती है। डाउन सिंड्रोम बच्चे में बहुत सारे टैलेंट भी होते हैं जो हमें पहचानने पड़ते, जैसे सोम का खेलने में बहुत अच्छा स्टैमिना है, वो खेलने में भी कुछ कर सकता है। वो मुझे काफ़ी हेल्प करता है मेरी हर एक चीज़ में। ही इज़ वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड, उसके कबर्स बोलो उसका रूम बोलो। कहीं भी जाते हैं, किसी के भी साथ जाते हैं, किसी के घर में जाते हैं, तो हम लोगों ने तय किया कि हम दोनों साथ में, यानी नंदिनी और मैं और नंदिनी साथ में ही जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। दुकान में जाते थे, शादी के लिए जाते थे, किसी के घर में जाने का होगा तो घर में जाते थे, यानी कहीं भी, क्योंकि ऐसे जाएंगे तो दो चीज़ें हैं, बच्चे भी समझ सकते हैं कि बाहर की दुनिया कैसी है और कैसा बिहेव करना चाहिए। जैसे सोम को इतना ध्यान नहीं देना पड़ता है, सोम अपने आप से बहुत सारे काम कर लेता है। स्कूल में वो पढ़ाई अभी सिक्स स्टैंडर्ड में है, तो स्कूल में जिस तरह से पढ़ाई होती है वो करता है, लेकिन इसका जो सीखने का तरीका है उसमें थोड़ा उसको ज़्यादातर फिल इन द ब्लैंक्स देते हैं टीचर, तो वो जो आंसर होता है उसको वो कॉपी कर लेता है, या ट्रू एंड जो सही और गलत जैसे सेंटेंस है तो वो कर लेता है अपने हिसाब से, तो वो उतना वो रीड करके और उसको अटेम्प्ट करता है। और गणित वगैरह में कैलकुलेटर देते हैं उसको, तो उसमें ये प्लस के सम्स हैं या माइनस के सम्स हैं या मल्टीप्लाई, ये सब भी वो धीरे धीरे से वो करता है अपने हिसाब से। हर चीज़ पे बहुत मेहनत करती है, जब तक वो उसमें सक्सेसफुल नहीं होती है, उसको कोई काम बोल दो तो जब तक वो पूरा नहीं करेगी तब तक उसको छोड़ेगी नहीं, बीच में अधूरा नहीं छोड़ती, हर एक काम पूरा करती है। जैसे प्रांशु को शॉपिंग का लिस्ट बनाना बहुत पसंद है, मतलब हम नीचे जब जाते हैं शाम को तो उसको चाहिए कि मम्मा लिस्ट तुझे क्या क्या लाना है, तो मैं उसको बोलती हूँ लिख ले, तो अगर वो लिखना नहीं चाहता है अगर, तो हम उसको कहते हैं कि तुम टैब पे अपना लिस्ट बना लो। कुछ भी है बस प्रांशु के पास चले जाओ, उससे बातें कर लो, हमारा मूड सही हो जाता है एकदम। खुद का पैसा कमा रही है, अपने पैसों से कुछ खरीद रही है, उसके जो सनग्लासेस है उसको खरीदने का था खुद के पैसे से, ये सोच के भी अच्छा लगता है कि वो सब कुछ कर सकती है। फ्रिक्वेंटली वीडियो कॉल्स करता है, इधर दादाजी हैं या उनकी चाची वगैरह हैं उनके साथ, सबके साथ वीडियो कॉल करके बात करता है। इवन ही इज़ फॉन्ड ऑफ हिज नानी, तो उनके साथ भी वो वीडियो कॉल करके, सो बहुत अच्छा लगता है उसको सब फैमिली मेम्बर्स के साथ टाइम स्पेंड करना। I want to become singer. Singer? Yeah. आन्या को म्यूजिक का बहुत ज़्यादा शौक है, वो गाने भी बहुत बढ़िया से गाती भी है। When I want to grow up like my father. प्रांशु का नेचर बड़ा फ्रेंडली है और वो अच्छे से खेलता है हमारे साथ, मतलब कैसे दूसरे फ्रेंड्स चीटिंग वीटिंग करते हैं ये कुछ नहीं करता। मैं गुस्सा भी बहुत जल्दी हो जाती थी ऐसा था, पर शायद ध्रुव आया उसके बाद, मैं आज खुद को देखती हूँ ना तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे में बहुत पेशेंस आ गया। उसने हमारे सोचने का तरीका ही बदल दिया है,
अगर 12 साल पहले कोई मुझे आज ये ऑप्शन देता है कि वी टेक यू बैक 12 साल पहले, और अब आपको फिर से दोबारा से ऑप्शन दिया जाता है कि आपको आन्या आपके लाइफ में चाहिए या नहीं, तो मैं डेफिनेटली आन्या को चाहूँगी मेरी लाइफ में, बिकॉज आन्या ने मेरी लाइफ बहुत ब्यूटीफुल बनाई है। मैं तो सिर्फ इतना कहूँगी कि जो कुछ मेहनत हम लोगों ने ली है या उसके ऊपर किया है, उसका फल तो मिल गया है। नंदिनी के रूप में आज जो कुछ दिखता है अच्छा लगता है।